दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में गुड़हल के पौधे को शेयर करूंगी कि अभी बरसात के मौसम में यानी कि इसी जुलाई के महीने में हमें अपने गुड़हल के पौधे को कौन कौन सी खादों को मिलाकर एक साथ दे देना है, जिससे कि पूरे सीजन यानी कि सर्दी आने तक हमारे पौधे को किसी दूसरी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना पड़े और हमारा पौधा स्वस्थ रहे। इसके अलावा बरसात के मौसम में हमें अपने पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, जिससे कि वो बरसात के पानी से ख़राब ना हो और स्वस्थ बना रहे, साथ में हमें पूरे सीजन फूल देता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी के बगीचों में पाया जाता है, और अगर वास्तु की बात करें तो पौधा ये काफ़ी शुभ पौधा माना गया है, क्योंकि इनके फूलों को सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। वैसे तो गुड़हल का पौधा ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन इसको कटिंग के द्वारा अब गमलों में भी लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग हो और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, तो आप जब भी देसी गुड़हल के पौधे को अपने घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले में या फिर उससे बड़े गमले में अगर लगाते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। हाँ, हाइब्रिड गुड़हल के पौधे को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 10 इंच के गमले में भी लगकर फ्लावरिंग करता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अभी जुलाई के महीने में हमें अपने गुड़हल के पौधे पर ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम कर देने चाहिए, जिससे कि हम उससे अधिक मात्रा में फ्लावरिंग ले सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने गुड़हल के पौधे की हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि वहाँ पर से नई नई ब्रांचें निकलने लगें, और जब आप फर्टिलाइज़र दें तो आपके पौधे पर उन नई ब्रांचों में बड्स का आना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इस समय बरसात के सीज़न में सभी पौधों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो गई है, तो गुड़हल के पौधे पर भी काफ़ी तेज़ ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो उन सभी ब्रांचों को आप इस समय हटा दीजिए जिन पर आप कलियां नहीं बननी है या जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिससे कि उसकी एनर्जी और जो अभी तक इसके पोषक तत्व मिट्टी से ये ब्रांचें ले रही थी, वो जब आप प्रूनिंग करें और वहाँ से नई ब्रांच आएँ तो उनको एनर्जी मिलती रहे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ वहाँ से बन सकें। दूसरा काम करना है कि पौधे से जब फूल खिल जाए तो आप उसको वहाँ से हटा दें। गुड़हल ही नहीं फ्रेंड्स, किसी भी पौधे में बरसात के समय में जैसे ही फूल खिल चुका हो तो उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो फिर आसपास के एरिया में उसकी वजह से फंगस लग जाती है, और अगर वो फूल मिट्टी में गिर जाता है तो मिट्टी में भी फंगस आ जाती है। तीसरा काम आपको जो करना है, तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं लेकिन उनका पौधा जो है वो हरा भरा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आप जो अपने पौधे को खाद दे रहे हैं उस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो और फास्फोरस, पोटेशियम तथा कैल्शियम की मात्रा कम हो, जिसकी वजह से आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं। या फिर दूसरी वजह हो सकती है कि आपके पौधे का रूट बाउंड हो गया हो, जिसकी वजह से मिट्टी के सारे पोषक तत्व आप पौधे की रूट नहीं ले पा रही हैं। तो उस कंडीशन में ये सबसे अच्छा सीज़न है, इस समय आप अपने पौधे की यानी कि गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग कर दें। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि बरसात के सीज़न में ध्यान देकर अगर गुड़हल के पौधे पर कर दिया जाता है तो काफ़ी कुछ समस्या का हल अपने आप ही हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि गुड़हल के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको एक फर्टिलाइज़र देने से काम नहीं चलता है, बल्कि हर 15 दिन के अंतर पर इसको एक से अधिक फर्टिलाइज़र को मिलाकर देना होता है, तभी यह पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, साथ में इसमें फ्लावरिंग भी आती है। तो यहाँ पर जो मैं अपने आज गुड़हल के पौधे को फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ उनमें कुछ ऑर्गेनिक हैं और कुछ इनऑर्गेनिक हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय अगर ऑर्गेनिक पूरी तरीके से फर्टिलाइज़र दी जाती है तो मिट्टी में फंगस आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे किचन से निकलने वाले सब्जियों के छिलके होते हैं वो ड्राई नहीं हो पा रहे हैं नमी की वजह से। इस वजह से इन दोनों ही फर्टिलाइज़र्स को मिलाकर आज गुड़हल के पौधे को देना पड़ रहा है। तो जो सामने आप लोग देख रहे हैं उसमें पहले नंबर पर DAP है, इसके बाद वर्मी कंपोस्ट है,
नीम खली का पाउडर है, पोटास फर्टिलाइजर है और कैल्शियम के रूप में इस समय हम यहाँ पर बच्चों के लिखने वाली चॉक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी फ्रेंड्स कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। बरसात के सीज़न में बोन मिल को नहीं डाला जाता है, बोन मिल को डालने से पौधे की मिट्टी में फंगस लग रही है। तो अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बरसात के सीजन में अगर आप किसी भी पौधे को खाद दे रहे हैं तो कोशिश यही करें कि आप वर्मी कंपोस्ट खाद दें, ना कि आप गोबर की खाद दें, क्योंकि गोबर की खाद में अक्सर बरसात के सीजन में कीड़े लग जाते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद जो होती है वो पौधे की मिट्टी को मुलायम बनाए रखती है, क्योंकि ये दाने के रूप में खाद होती है। इसके अलावा इसको डालने से किसी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं। अब इसमें 1 चम्मच आप नीम खली के पाउडर को मिला लें। तो नीम खली का पाउडर इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि बरसात का सीज़न है, जिससे कि पौधे में किसी तरीके के कीड़े ना लगें, क्योंकि नीम खली का पाउडर एक कीटनाशक का काम करता है। इसके बाद इसमें तीसरी फर्टिलाइज़र आपको जो मिलानी है तो वो DAP के दाने हैं। तो फ्रेंड्स DAP के दाने गमलों में जब भी किसी पौधे को दिए जाते हैं तो वो गमले की साइज के हिसाब से गिन के ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 12 इंच का आप गमले में डाल रहे हैं तो उसके लिए मात्र आपको 10 दाने लेने हैं। अगर आप इसकी संख्या को बढ़ा देते हैं तो हो सकता है आपका पौधा ख़राब हो जाए। DAP में 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें 46% फॉस्फोरस होती है और उस 46% फास्फोरस में 39% फास्फोरस तुरंत डालते ही पानी में मिल जाती है या मिट्टी में मिलकर तुरंत पौधे को फ़ायदा पहुंचाती है, और जो बची हुई फास्फोरस होती है वो धीरे धीरे डीकम्पोज मिट्टी में होती है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच पोटास फर्टिलाइजर को मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स पोटास फर्टिलाइजर को मिलाने से मिट्टी का pH लेवल बढ़ जाता है और गुड़हल को बढ़ा हुआ pH लेवल ही पसंद होता है। इसके अलावा फूलों की संख्या भी पोटास फर्टिलाइज़र को डालने से बढ़ जाती है, साथ में पौधे पर जो फल या फूल आते हैं उसमें चमक भी काफ़ी हो जाती है। अब इसमें 1 कैल्शियम के लिए चौक के टुकड़े को ले लेते हैं। तो अगर आप चौक के टुकड़े का पाउडर नहीं बना सकते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये मिट्टी के संपर्क में आएगा तुरंत ये घुल जाएगा। अब इसको पौधे पर देना किस तरीके से है, तो फ्रेंड्स इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, अगर मिट्टी की ऊपरी लेयर में इसको मिला देंगे तो ये पानी के साथ में बह जाएगी। इसलिए या तो आप गमले में 3-4 किनारे की तरफ होल बना लें और उन होल में इस बनी हुई फर्टिलाइजर्स को डालकर ऊपर से कवर कर दें, या फिर अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप ऊपर से 2-3 इंच की मिट्टी को हटा लें और फिर इस फर्टिलाइज़र को डाल दें और ऊपर से उसी मिट्टी से कवर कर दें। मिट्टी अगर बहुत सूखी है तो ही आप पानी डालें, नहीं तो इसमें पानी ना डालें, तो ये धीरे धीरे डीकम्पोज होती जाएगी और पौधे को इसका फ़ायदा मिलता जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे पर दे देते हैं तो अगर पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर पौधे की आपकी ग्रोथ रुकी हुई है तो दोनों चीज़ ही आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पौधे पर स्टार्ट हो गई है।